जय श्री कृष्ण बच्चों। देखे आज हम लोग जो कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है तो सर्कुलर मोशन करता है, तो उसके सर्कुलर मोशन से जुड़े हुए तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। तो वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं तरह तरह के, उनकी हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस है। न्यूट्रॉन आप लोग सब जानते हैं, 1H2 को न्यूट्रॉन कहते हैं, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे तो वो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस हो जाएगा। और अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम के एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो बचेगा वो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, और इन सबकी स्पीड सेम है, और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ये फेंके गए हैं। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये फेंके गए हैं तो इनके रेडियस का रेशियो बताना है, ये क्वेश्चन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल हैव सेम स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इफ दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके अंदर हमें उनका रेशियो निकालना है। अच्छा देखिए, रेडियस का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था कल, आर होता है एमवी अपॉन क्यूवी। तो अगर मैं प्रोटॉन का जैसे लिखूं, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल अगर मैं कंपेयर करूं, तो जैसे प्रोटॉन जो है अगर इसका मास एम है, चार्ज क्यू है, तो न्यूट्रॉन का मास होगा 2m और चार्ज क्यू ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो दोनों में एक ही होता है, न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो। और अल्फा पार्टिकल जो है इसके अंदर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास 4m हो जाएगा और इसका चार्ज 2q हो जाएगा। ठीक है, ये इनके मास और चार्ज है। तो अगर वेलोसिटी सेम है तो रेडियस का रेशियो पूछा था इन्होंने, तो रेडियस का जो रेशियो आएगा जैसे एमबी अपॉन क्यूबी के हिसाब से हम देखें, तो जो प्रोटॉन है उसके लिए एमबी अपॉन क्यूबी होगा, न्यूट्रॉन के लिए मास की जगह आ जाएगा 2m, चार्ज उतना ही है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल के लिए जो मास आ जाएगा वो 4m आ जाएगा और चार्ज आ जाएगा 2q। अल्फा पार्टिकल के लिए मास 4m आ जाएगा और चार्ज 2q के बराबर जाएगा, तो एमबी अपॉन क्यूबी कट जाएगा सब जगह से, और ये रेशियो आएगा 1:2:2, ये रेशियो आ जाएगा। तो अगर ये सबके सब सेम स्पीड से फेंके गए हैं तो उस कंडीशन में जो रेडियस का रेशियो होगा 1:2:2 के बराबर होगा। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन बनता है, एक और इसी के अंदर सवाल बनता है। क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, सॉल्व द अबव इफ द पार्टिकल्स आर accelerated up to same potential difference। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये पार्टिकल जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है सबके सब एक्सेलरेट किए जाए, तो पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया डेल्टा भी है, तो इसके अंदर हमने कल आपको रूल बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से जो रेशियो आता है वो आता है √2q∆V(m/qV), ये रेशियो होता है। ये फार्मूला कल आपको बताया था, कल का मतलब लास्ट पिछले लेक्चर में बताया था, 2q∆V(m/qV), ये रेशियो होता है। तो सबसे पहले मैं प्रोटॉन के लिए लिखूंगा तो प्रोटॉन के लिए आ जाएगा, जब यही चीज मैं न्यूट्रॉन के लिए लिखूंगा तो न्यूट्रॉन के लिए लिखूंगा तो इसी के अंदर आ जाएगा, 2 तो रहेगा ही, चार्ज भी क्यू ही रहेगा, डेल्टा भी सेम रहेगा, लेकिन इसका मास जो है वो 2m हो जाएगा अपॉन क्यूबी हो जाएगा। और सेम यही चीज जब मैं अल्फा पार्टिकल के लिए लिखूंगा तो अल्फा पार्टिकल के लिए सेम यही चीज लिखी जाएगी, तो जाएगा √2, इसका चार्ज हो जाएगा 2q, डेल्टा भी सेम है लेकिन मास हो जाएगा 4m अपॉन 2q चार्ज था (b)। तो यहां से एक अच्छा तुरंत एक निकल के आ रहा है कि ये 4 जो है जब रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको मैं इससे काट देता हूं और जो कुछ भी बचा हुआ है उसका रेशियो निकालता हूं। जैसे देखिए सब में ये 2, ये वाला 2 सब में था, क्यू सब में था, ठीक है, तो मैं इस पूरे को तो 1 कर देता हूं। इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज जो आएगी वो यही m, बस इसमें फर्क यही कि इसमें m था, यहां 2m था, हो जाएगा √2, और इसमें क्या हो जाएगा फर्क, 2 भाई, ये √2 आ जाएगा यहां पर, ये बाकी सब तो सेम है, 4 से 2 कट चुका है, m वगैरह सब सेम है, क्योंकि जगह 2q आ गया तो ये भी √2 ही हो जाएगा। तो
अगर आप इनको सबको काट पीट करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। इनके टाइम पीरियड का रेशियो बताओ। तो अगर आपसे इनके टाइम पीरियड का रेशियो बताओ तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, 2πm/qb। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है 2πm/qb, तो टाइम पीरियड आएगा 2πm/qb। अब देखा जाए, प्रोटॉन के लिए लिखा मैंने 2πm/qb, जब न्यूट्रॉन के लिए लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2π × 2m/qb। न्यूट्रॉन का मास डबल है, और अल्फा पार्टिकल के लिए यही लिखूंगा तो हो जाएगा 2π × 4m/qb। ये हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल के लिए यही वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2π × 4m/qb। तो 2πm/qb सब कट जाएगा, ये हो जाएगा 1:2:2, ये 2 आ जाएगा। अच्छा नहीं, अल्फा पार्टिकल में ये 2q आ जाएगा, तो ये 2m/qb है, ये 4m/2q है, तो ये भी अल्टीमेटली कट के वही 2 ही रहेगा, तो 1:2:2:2, ये टाइम पीरियड का रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से रेडियस का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके हम लोग टाइम पीरियड, इसी में फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछते तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछते तो वो टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है। एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो भी पूछ सकते हैं, ओमेगा 2π/T होता है तो उसका भी रेशियो पूछ सकते हैं। इसी तरह से अलग 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 कंडीशन के कई सारे सवाल इसके अंदर आते रहते हैं, मतलब अक्सर आते रहते हैं। इसके अंदर क्या है कि जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, ए न्यूट्रल पार्टिकल लिखा हुआ है, इनिशियली एट रेस्ट सडनली एक्सप्लोड्स इन टू अनइक्वल मासेस, द टू मासेस परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। एक न्यूट्रल पार्टिकल था, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था, अचानक से वो दो अनइक्वल मासेस में टूट गया, अनइक्वल मासेस में टूट गया और दोनों जो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो आपको पता लगाना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल बन गया कि भाई ये जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में यहां बना लेता हूं इस तरह की क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैंने यहां बना ली, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ होता है, डॉट का मतलब बाहर की तरफ, तो मैंने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना ली। ये दो मासेज ऐसे रखे हुए थे और ये दो मासेज अचानक से एक्सप्लोड हो गए, तो जैसे अचानक से एक्सप्लोड हो गए और ये M1 मास मान लो चला गया V1 वेलोसिटी से इधर, और इधर M2 मास जो है वो V2 वेलोसिटी से इधर आ गया। अच्छा, चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल था तो अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू होगा तो इस वाले के ऊपर माइनस क्यू होगा, न्यूट्रल था ना, तो नेट चार्ज शुरू में जीरो था तो बाद में भी जीरो रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि न्यूट्रल था शुरू में तो एक के ऊपर चार्ज आएगा तो एक के ऊपर चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो चूंकि ये शुरू में रेस्ट पे था तो मोमेंटम भी अचानक से एक्सप्लोड किया। अच्छा, इंटरनल फोर्सेस के कारण जब भी कुछ होता है तो मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं होता है, तो अगर मैं मोमेंटम देखूं तो इस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है इट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जीरो जो होगा, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, न्यूट्रल पार्टिकल जो था शुरू में रेस्ट पे था, तो जीरो जो है वो बराबर हो जाएगा m1v1 - m2v2, या इसी का मतलब है कि m1v1 विल बी इक्वल टू m2v2 यहां जाएगा। अब मुझे इनका रेडियस निकालना है, तो रेडियस r बराबर क्या होता है, mv/qb। थोड़ा ध्यान से देखें, तो पहले वाले का रेडियस अगर मैं r1 बोलूं तो m1v1/qb होगा, और अगर मैं दूसरे और उसका r2 बोलूं तो ये m2v2/qb होगा। q दोनों का सेम होगा, चार्ज दोनों का सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक ही है, उसी के अंदर दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, और ध्यान से देखो तो m1v1 m2v2 के बराबर है। तो अगर आप r1/r2 लिखोगे तो r1/r2 किसके बराबर जाएगा, r1/r2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। डिवाइड करके देख लो, m1v1 से m2v2 कट जाएगा, qb से qb कट जाएगा, तो r1/r2 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो कुछ और सवाल देता हूं, सम मोर क्वेश्चंस। एक ये सवाल करो, ये क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और बहुत दूर तक है, ये क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, और यहां से ये एक ऐसे चार्ज क्यू है जो वी वेलोसिटी से, चार्ज क्यू है, इसका मास एम है,
वी वेलोसिटी से आता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर जाता है। मैग्नेटिक फील्ड यहां से चालू हो रही इस जगह से और अंत नहीं है, पूरा जहां तक दुनिया है वहां तक मैग्नेटिक फील्ड मान लो है। यहां से आता है ये चार्ज क्यू, चार्ज क्यू पॉजिटिव मान रहा हूं मैं, एम मास है इसका, वी वेलोसिटी से इस फील्ड के अंदर इंटर करता है। तो अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन ये है फाइंड द टाइम स्पेंट बाय, फाइंड द टाइम स्पेंट बाय द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द टाइम स्पेंट बाय द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। टाइम स्पेंड बाय द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, वो आपको बताना है। चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो ये देखिए जो ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में टाइम स्पेंड कर रहा था वो टाइम आपको बताना है। तो अब इसमें क्या होगा, वो सिंपल सी बात है, ये चार्ज जैसे इंटर करेगा और अगर मैं एक ऐसे लाइन बनाऊं तो ये यहीं से मैग्नेटिक फील्ड चालू हो रही थी इस जगह से, एक ऐसे लाइन मैंने बनाई और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा और इंटर करते ये सर्कल में घूमेगा, सर्कल में घूमेगा और सर्कल में घूम करके ये यहां से जैसे जाएगा और घूमेगा और सेमी सर्कल पूरा करके फिर ये वापस आ जाएगा। तो सेमी सर्कल जब ये पूरा करके वापस आएगा तो आप देखेंगे तो वी क्रॉस बी, बी इधर है, बी अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये जो सेमी सर्कल पूरा करके बाहर आएगा यहां पर, यहां से गया और जिस एंगल पे गया मतलब जैसे गया ना परपेंडिकुलर, वैसे पूरा आधा सर्कल पूरा करके बाहर आ जाएगा। तो आधा सर्कल अगर ये पूरा करके बाहर आ रहा है तो पूरा, अगर ये पूरा पूरा सर्कल में परफॉर्म करता है तो इसको टाइम लगता कितना, पूरा चक्कर काटता ये तो इसको टाइम लगता 2πm/3b, पूरा चक्कर अगर काटता तो ये टाइम लगता है, लेकिन ये तो आधा ही चक्कर काट रहा है, आधा ही चक्कर काट रहा है तो इसके अंदर जो टाइम लगेगा वो इसका आधा हो जाएगा, यानी πm/3b के बराबर। टाइम टेकन विल बी इक्वल टू πm/3b, जो भी यहां पर समय लगेगा वो πm/3b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर एक और सवाल आता है, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और सवाल आता है, फाइंड द नेट इंपल्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड, नेट इंपल्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, फाइंड द नेट इंपल्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, नेट इंपल्स By the magnetic field on the charge particle। जो impulse होता है उसकी अगर definition आप देखें तो impulse जो होता है वो change in momentum होता है। तो जब भी आपसे कभी impulse पूछता है तो इसका मतलब वो momentum का change पूछ रहा है। तो impulse will be equal to final momentum minus initial momentum। Final momentum अगर आप देखें तो particle जैसे ऐसे जा रहा था, ऐसे वापस आ गया, तो इनिशियल जो मोमेंटम था वो आगे की तरफ था पॉजिटिव लेंगे, फाइनल जो था वो पीछे की तरफ था, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस एमवी और इनिशियल जो था वो एमवी था, मैं पहले ऐसे जा रहा था फिर घूम के वैसे वापस आ गया, तो जो नेट इंपल्स होगा वो -2mv हो जाएगा। हाँ, यहां मैंने आगे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, बैकवर्ड नेगेटिव लिया है, तो जो नेट इंपल्स होगा वो -2mv के बराबर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये सवाल आपके सामने आ गया है, वो ये है कि मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस्ड है, माने बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ है, इसकी वैल्यू बी है। मैग्नेटिक फील्ड की एक बाउंड्री आपको प्रेजेंट है, यहां से इस तरफ ही है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ नहीं है, एक बाउंड्री इधर है, दूसरी कोई बाउंड्री नहीं, दूसरी जहां तक जाओगे मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है। तो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल जो है क्यू, जिसकी वेलोसिटी वी है, मास एम है, इस तरह से इंटर करता है, तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि फाइंड द टाइम स्पेंट, फाइंड द टाइम स्पेंट बाय द चार्ज इन, फाइंड द टाइम स्पेंट बाय द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड।
ये जो चार्ज यहां पे इंटर कर रहा है ऐसे जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कितना समय बिताएगा, जैसे पिछला सवाल भी था, लेकिन पिछले सवाल में ये एंगल जो है 90 दे रखा था मैंने, इस बार 90 नहीं है, इस बार ये एंगल मान लिया थीटा है और ये इस तरह से इंटर कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना समय बिताएगा। 3 मिनट का टाइम लेंगे आप, पॉज करेंगे, पहले 3 मिनट का समय लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे, मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये चार्ज क्यू हो गया, वेलोसिटी भी हो गई, मास एम हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये चार्ज इंटर करेगा तो जो फोर्स होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, यानी फोर्स का डायरेक्शन वी क्रॉस बी का डायरेक्शन हो गया है, तो वेलोसिटी इधर है, ऐसे वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो वी इधर है, बी इधर है, तो जो फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, इस तरह से, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसके ऊपर। अच्छा, जिधर फोर्स लगेगा उधर इसका सेंटर पड़ेगा, सर्कल भाई, सर्कुलर मोशन में फोर्स जिधर लगता है भाई उसका सेंटर होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो यही यहां कहीं सेंटर होगा, तो ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा और घूम करके फिर ये चुपचाप इस तरह से निकल जाएगा, और यहां कहीं इसका सेंटर होगा सर्कल का, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखें, यही समझने वाली बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में इतना इतना दूरी तक रहा, तो अब समझने वाली बात ये है कि ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, इन दो, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, अब ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, और सिमेट्री के कारण ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक घूम के जाएगा, तो ध्यान से देखें, ये सेंटर के अराउंड 2 थीटा एंगल घूमा है, देखो बस एंगल का है थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, सिमेट्री के कारण ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो अब ध्यान से देखें, तो सर्कल में ये 2 थीटा एंगल घूमा, तो अब इसके अंदर इस तरह के सवालों को हम ऐसे करते हैं कि ध्यान से देखें, यूनिटरी मेथड, एकिक नियम जिसे हिंदी में बोला करते थे, कि भाई इतना चलने में इतना, तो इतना में इतना, तो इतने में कितना, ठीक है। तो जैसे हम यही बोल रहे हैं कि 2π एंगल चलने में इसको टाइम लगता है टी, तो यूनिट एंगल चलने में इसको टाइम कितना लगेगा, टी अपॉन 2π, तो 2 थीटा एंगल चलने में इसको टाइम कितना लगेगा, टी अपॉन 2π इंटू 2θ, तो जो इसको समय लगेगा इसको पार करने में, जो भी टाइम लगेगा, दैट टाइम विल बी इक्वल टू टी अपॉन 2π इंटू थीटा, टी की वैल्यू वैसे ही 2π एम अपॉन क्यू भी होती है इंटू 2π, और ये 2θ हो जाएगा, तो 2π से 2π चला जाएगा, और ये 2π से 2π चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2mθ अपॉन क्यू भी, ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी, तो इतना समय इसको लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, इतना समय बिताएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका हो गया। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं कि भाई ये इस तरह से गया था, वेलोसिटी इधर है, बी इधर है, वी क्रॉस बी ऐसे आ जाएगा, वी क्रॉस बी इस तरह से आएगा, तो सेंटर इसी लाइन पे बनेगा, तो ये ऐसे घूमेगा, यहां से निकल जाएगा, अब यहां से निकल जाएगा, तो ये इधर से निकला, तो ये सेंटर हो गया, अब ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, सिमेट्री के कारण ये भी थीटा हो जाएगा, तो सेंटर के अराउंड ये 2θ एंगल घूमा है, तो 2π एंगल घूमने में टी टाइम लग रहा था, पूरा सर्कल अगर घूमता तो टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगता, तो यूनिट एंगल घूमने में इतना लगेगा, तो 2θ घूमने में इतना लगेगा, ये टाइम इसको लग जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर, वो मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, इसको आप खुद से कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, जैसे ये चार्ज मैंने पॉजिटिव माना है, ये नेगेटिव होता, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन इस तरह बनता, और फिर जो सर्कल बनता ना, वो कुछ ऐसा बनता, ऐसा, उसका टाइम तुम निकालना, मैंने निकालना। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो V क्रॉस B इधर है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स इधर लगने लग जाता, तो इसका सेंटर यहां कहीं आता, ऐसे आता, तो इसका टाइम अलग आता। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसी क्वेश्चन के अंदर जो टाइम आता उसकी वैल्यू अलग हो जाती। अब देखिए, आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेके मैं आया हूं। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों तरफ से लिमिटेड है, मतलब इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। पिछले सवाल और इसमें फर्क यही था कि पिछले सवाल में ये इधर वाला सिरा जो है वो अनलिमिटेड था, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइड से लिमिटेड हो गई, बस यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी के बराबर है, ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू बी के बराबर है, और यहां पर एक चार्ज क्यू जिसकी स्पीड भी है, मास एम इंटर करता है, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब जो एल है वो रेडियस से कम है, रेडियस होता है ना एमबी अपॉन क्यू बी, तो रेडियस से कम है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके अंदर भी सवाल यही बनता है, फाइंड द टाइम
इन विच द चार्ज विल कम आउट एंड द टाइम इन विच द चार्ज विल कम आउट फ्रॉम द एंड द टाइम इन विच द चार्ज विल कम आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. फाइंड द टाइम इन विच द चार्ज विल कम आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. वो समय बताओ जितने समय में जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा. वो आपको टाइम बताना है. ठीक है, तो अब वो अगर आपको टाइम बताना है तो देखिए ये जो चार्ज आया है ये चार्ज है वी वेलोसिटी से जा रहा है. बी अंदर की तरफ है तो वी इधर है तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा. तो ये जो भी चार्ज होगा इसका जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर यहां कहीं होगा. मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं और ये ऐसे जाएगा और यहां से निकला मान लिया, तो इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया. तो यहां से हम बड़ी आसानी से ये बात कह सकते हैं, मतलब इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा आप. क्वेश्चन जो है दो ढाई मिनट करीब ले लीजिएगा तब मेरा सॉल्यूशन देखिएगा. तो जैसे वी इधर है, बी इधर है, वी क्रॉस बी इधर जा रहा है, तो अब अगर आप यहां से देखें तो सी ए विल बी इक्वल टू सी पी विल बी इक्वल टू आर. जो सी से ए दूरी है और जो सी से पी दूरी है ये दोनों दूरियां सर्कल के रेडियस के बराबर होंगी क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है. अब मुझे ये एंगल निकालना है, ये एंगल अगर मुझे निकालना है तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा, इसको मैंने एम बोल दिया. और अगर मैं इस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी एम पी, ये जो ट्रायंगल सी एम पी है, सी एम पी, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा देखूं तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी इस ट्रायंगल सी एम पी के अंदर. साइन थीटा आ जाएगा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइट इसकी कितनी हो जाएगी एम पी और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा सी पी. साइन थीटा होगा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट हो जाएगी एमपी और हाइपोटेन्यूज जो है वो सीपी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, एमपी अपॉन सीपी, एमपी की वैल्यू एल दे रखी है और सीपी की जो वैल्यू है वो आर के बराबर है, जहां आर जो है वो एमबी अपॉन क्यू भी होता है, आर की वैल्यू बाद में पुट किया जाएगा. ठीक है, तो यहां से हमें थीटा की वैल्यू आ गई. अब उसके बाद देखिए इसके अंदर अब ज्यादा नहीं हुआ पिछले सवाल में कि भाई 2 पाई एंगल चलने में टी टाइम लिया है तो यूनिट एंगल चलने में कितना समय लेगा, भाई बचपन में जो करते थे तो थीटा एंगल चलने में कितना टाइम लेगा. तो अब मैं यहां वहीं से चल रहा हूं. ठीक है, साइन थीटा एल बाई आर के बराबर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं थीटा की जो वैल्यू होगी थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एल बाई आर. ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एल बाई आर. अब उसके बाद वही यूनिटरी मेथड, 2 पाई एंगल घूमने में टी टाइम. ठीक है, तो यूनिट एंगल घूमने में टी अपॉन 2 पाई, तो थीटा एंगल घूमने में टी अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, ये आ जाएगी टाइम की वैल्यू. तो अब ये टाइम की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो ये टाइम की वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है t की वैल्यू हो गई 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी अपॉन 2 पाई, और थीटा जो है वो साइन इनवर्स, यहां से देखेंगे l बाई आर है तो जाएगा साइन इनवर्स l बाई आर, r की जगह होता है mb अपॉन क्यू बी, थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स l क्यू बी अपॉन mb. यहां पे 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा और जो टाइम आएगा वो आ जाएगा m अपॉन क्यू बी, एम अपॉन क्यू बी साइन इनवर्स एल क्यू बी अपॉन एम बी, ये टाइम टेकन आ जाएगा. इतना समय इसको लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको समय लगेगा इतना टाइम लग जाएगा. एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस इसके अंदर आता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये केस भी हमें जानना जरूरी है. ये हेलिकल पाथ का केस होता है. तो पहली बात तो हेलिकल पाथ क्या होता है मैं आपको समझा दूं और फिर ये बताऊंगा कि हेलिकल पाथ में पार्टिकल कैसे चलता है. तो पहली बात तो हेलिक्स क्या होता है, जैसे स्प्रिंग देखी ना आप लोगों ने, ठीक है, स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, जैसे एक राउंड घूमती है थोड़ी
स्प्रिंग आगे बढ़ जाती है, इस रूम में तो कहीं स्प्रिंग नहीं दिख रही है, लेकिन स्प्रिंग सब लोग विजुलाइज कर सकते हैं। एक राउंड हम घूमे, थोड़ा आगे बढ़ गए, फिर अगला राउंड में थोड़ा और आगे, फिर अगले राउंड में थोड़ा और आगे, इस तरह से स्प्रिंग आगे बढ़ती चली जाती है। स्प्रिंग एक ही जगह थोड़ी राउंड मारती है, आगे ऐसे घूमते 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 आगे बढ़ जाते हैं। हेलिकल पाथ उसी टाइप का पाथ होता है जिसमें पार्टिकल चलता भी रहता है, मतलब सर्कल में भी घूमता रहता है और वो सर्कल धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ता रहता है। तो इस तरह का पाथ होता है। ये पाथ आता कब है, जैसे अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है तब तो पार्टिकल सीधे ही जाता रहता है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल सर्कल में घूमता रहता है। लेकिन अगर वेलोसिटी ना तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है ना परपेंडिकुलर है, कुछ एंगल बना रही, थीटा बना रही, 45 डिग्री, 47 डिग्री, 81 डिग्री, मतलब ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो उस केस में जो पार्टिकल का पाथ होता है वो हेलिकल पाथ होता है। तो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कर लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, this is x axis, this is y axis, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो x axis के along है। इस तरह से समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड x axis के along है और एक पार्टिकल जो है इसको हमने v velocity दे दी थीटा एंगल पे। अगर यही थीटा 90 होता तो इसका पाथ सर्कुलर होता, यही थीटा 0 होता तो ये पार्टिकल सीधे चला जाता। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये हम मान रहे हैं, हर केस में मान रहे हैं। तो अगर ये थीटा 0 होता तो ये पार्टिकल सीधे जाता, यही थीटा अगर 90 होता तो इस सर्कल में घूमता, लेकिन थीटा को मैंने 0 से 90 के बीच कर दिया। अब इसका जो मोशन होगा उस मोशन को हमको एनालाइज करना, और ये चूंकि थ्री डायमेंशन का पाथ है तो इसको विजुलाइज करने में, सोचने में बच्चों को दिक्कत आती, प्रॉब्लम आती है, तो इसको समझेंगे अच्छी तरह से पूरा एफर्ट के साथ। हम इसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये वाली वेलोसिटी जो है इसको हम वी पैरेलल बोल देते हैं, और ये वाली वेलोसिटी जो है इसको हम वी परपेंडिकुलर बोल देते हैं। वी पैरेलल का मतलब वी कॉस थीटा, या फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज वी पैरेलल, और फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज वी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी है और v sin थीटा, और पैरेलल डायरेक्शन की वेलोसिटी v cos थीटा के बराबर है। तो अब जरा ध्यान से देखें इसमें क्या होगा, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं और ये कॉमन सेंस की बात है कि जैसे जो v sin थीटा है वो फील्ड के डायरेक्शन में है, तो अगर v sin थीटा वेलोसिटी की ही अगर हम थोड़ी देर बात करें तो ये फील्ड के डायरेक्शन में है, और फील्ड के डायरेक्शन में अगर है तो इस v sin थीटा की वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स तो आएगा नहीं, क्यों v क्रॉस भी होता है। अगर v sin थीटा माने ये वाली जो वेलोसिटी है, सॉरी v sin थीटा नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, v cos थीटा, जो v पैरेलल है मतलब ये वाली वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो फिर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो ये जो v पैरेलल है, ये जो v पैरेलल है इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, और जो v पैरेलल है ये कांस्टेंट बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, ये ऐसे की ऐसे ही पार्टिकल जाएगा। लेकिन ये जो v परपेंडिकुलर है इसकी वजह से क्या होगा, ये जो v परपेंडिकुलर है इसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी जो फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो ये जो v परपेंडिकुलर है इसकी वजह से पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, और जो v पैरेलल वेलोसिटी है इसमें कोई बदलाव ही नहीं आएगा, तो ये v पैरेलल के कारण वैसे सीधे चलता चला जाएगा और v परपेंडिकुलर के कारण ये सर्कल में घूमेगा। अब जरा सर्कल में कैसे घूमेगा जरा देखें, सर्कुलर मोशन इस वी परपेंडिकुलर के कारण हो रहा है, तो देखिए वी इधर है बी इधर है, तो इसका वी क्रॉस बी किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो ये ऐसे सर्कल में घूमने लग जाएगा। भाई अंदर की तरफ आ रहा है तो इसका जो भी सर्कल बनेगा उसका जो सेंटर होगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस पे लाई करेगा। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, पॉजिटिव जेड बाहर है तो नेगेटिव जेड अंदर होगा, तो अगर आप देखें तो वी इधर बी इधर, तो वी क्रॉस बी अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ मतलब माइनस जेड, तो जो सर्कुलर मोशन होगा, अच्छा जो भी फोर्स का डायरेक्शन होता है वही उसी डायरेक्शन में सेंटर होता है, ये वी इधर है बी इधर है, तो जो सेंटर है अंदर की तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ सेंटर हो जाएगा, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और उसका जो सेंटर आएगा वो नेगेटिव मतलब वाई जेड प्लेन के अंदर आ जाएगा, जो सेंटर आएगा उसका वाई जेड प्लेन के अंदर आ जाएगा, तो जो वी पैरेलल वेलोसिटी है उसके कारण तो ये आगे बढ़ता रहेगा, और जो वी परपेंडिकुलर है उसके कारण सर्कल में घूमेगा। तो अब क्या होगा, सर्कल में भी घूमेगा, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ एक्स एक्सिस है, कुछ ऐसा होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा, फिर आके मेरे हाथ को टच करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर मेरे हाथ को आके टच करेगा, फिर ऐसे 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 ये सर्कल में घूमता रहेगा और आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, तो इसी पाथ को हम लोग हेलिकल पाथ कहते हैं। फिर से समझे, v पैरेलल जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और v पैरेलल में जब कोई चेंज नहीं आएगा तो पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल है, पैरेलल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता।
वी परपेंडिकुलर के कारण ये सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो अब क्या है कि आगे भी जाना है इसको, सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करना है, तो पार्टिकल कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब इस चीज को मैं नोट कर दे रहा हूं, ये चीज मैं लिख दे रहा हूं, द वी पैरेलल विल नॉट चेंज direction of v perpendicular will change, v parallel will not change, the direction of v perpendicular will change if both the effects are combined, the particle, both the effects are combined, the particle will move in, both the effects are combined, the particle will move in helical path, particle will move in the helical path, center of the helix, the center of the circle, the center of the circle will lie, center of the circle will lie in yz plane, center of the circle will lie in yz plane, जो circle का center होगा वो yz plane में lie करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, v parallel will not change, v parallel जो है जो ये वाली velocity उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, v perpendicular की भी value में बदलाव नहीं आएगा, बस direction बदलेगा। तो v perpendicular के कारण ये circle में घूमेगा, v parallel के कारण आगे बढ़ेगा, दोनों motion को combine कर दें तो if the effects are combined the particle will move in helical path, the center of the circle will lie in the yz plane, circle का जो center होगा वो yz plane में lie करेगा और इसका जो path होगा वो helical हो जाएगा। अब जो हेलिकल पाथ की जिस हेलिकल पाथ की हम बात कर रहे हैं उसमें हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, कुछ चीजें हम परिभाषित करते हैं, जैसे एक होता है पिच, हिंदी में बड़ा बढ़िया नाम है इसका, चूड़ी अंतराल कहते हैं इसको। ठीक है, तो पिच बेसिकली क्या है कि जैसे पार्टिकल मान लो ऐसे चल रहा है तो एक टाइम पीरियड में वो एक्सिस के अलोंग, जैसे हेलिक्स की एक एक्सिस होगी ना, जैसे ऐसे बन रहा है तो हेलिक्स की एक एक्सिस होगी, सिलेंडर टाइप का जो बन रहा है उसकी एक्सिस होगी, तो एक टाइम पीरियड में एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पिच। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, axis of the helix is called pitch, axis है helix की जो axis है उसके along जो displacement होता है उसे हम लोग pitch कहते हैं, और pitch की जो value आती है ये बराबर आएगी, देखें x direction में यानी axis के along जो displacement हो रहा है वो displacement किसके बराबर है, v cos theta, मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी v cos theta है, और टाइम पीरियड कितना होता है 2 pi m upon qb, ये पिच की वैल्यू आ जाती है। अगर हम पिच की वैल्यू निकालना चाहें, कई बार पिच पूछता भी है, हिंदी में इसको चूड़ी अंतराल कहते हैं, तो x डायरेक्शन में जा रहा है हेलिक्स की जो एक्सिस है वो x डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी v cos theta है और टाइम जो लग रहा है वो 2 pi m upon qb के बराबर लग रहा है, तो इसलिए जो पिच होती है पिच v cos theta into 2 pi m upon qb के बराबर होती है। एक ये बात आ गई। अब लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस हेलिकल पाथ की बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। डिटेल में एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी पाथ की अगर आपको एनालिसिस करनी है, उस मोशन को तार तार करना है, बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं कि अलग कर देना, हर चीज समझनी है, तो आप टाइम के फंक्शन के फॉर्म में उसका पोजीशन निकाल लो,
टाइम के फंक्शन के फॉर्म में आपने उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो वो मोशन तार तार हो गया। कैसे? अगर आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पता चल गया तो आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकल आएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलेरेशन निकल आएगा, मास से मल्टीप्लाई करोगे फोर्स निकल आएगा, वेलोसिटी आपको पता है तो उससे काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी, मतलब उससे सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। तो अगर किसी मोशन को आपको पूरी तरह से एनालाइज करना है तो आपको क्या करना है कि आपको एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसके, उसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना होगा। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूं, इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखने जा रहा हूं। कैसे लिखूंगा? पहली बात तो ये समझिए कि जो ये हेलिकल पाथ है, जैसे मैंने बोला ना ये एक्स एक्सिस है तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये ऐसे घूमता हुआ आएगा इस तरह से, तो जो भी हेलिकल पाथ है उसका जो भी सेंटर होगा ना वो सेंटर लाई करेगा वाई जेड प्लेन में। ये बात आपको समझनी है। फोर्स किधर लग रहा है? वी इधर है, बी इधर है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। अंदर का डायरेक्शन यानी अंदर का डायरेक्शन माने नेगेटिव जेड एक्सिस, तो उसका सेंटर नेगेटिव जेड एक्सिस पे लाई करेगा और जो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा वो वाई जेड प्लेन के अंदर घूम रहा होगा, कुछ ऐसे घूम रहा होगा ये पार्टिकल, कुछ इस तरह से ये पार्टिकल सर्कल के अंदर घूम रहा होगा, इसका जो मोशन होगा कुछ इस तरह से होगा और इसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस यहां कहीं लाई करेगा। और अगर मैं इसका रेडियस निकालूं, इसका रेडियस अगर मैं निकालूं तो इसका जो रेडियस आएगा वो रेडियस मैं यही लिख देता हूं, आर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू वी, क्योंकि सर्कल में घुमाने वाली वेलोसिटी वी साइन थीटा थी, वी कॉस थीटा की वजह से तो ये आगे जा रहा था, सर्कल में इसको भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो है वही घुमा रही थी, तो इसका जो रेडियस आएगा वो एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी के बराबर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये रेडियस आ गया, अगर मैं इस जब ये सर्कल में घूम ही रहा है भाई, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है अगर वो मैं निकालना चाहूं तो ओमेगा किसके बराबर होता है? टू पाई बाई टी। अगर मैं चाहूं इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना तो ओमेगा टू पाई बाई टी होता है, टी की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं टू पाई एम अपॉन क्यू बी, तो इस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्यू बी अपॉन एम। मैं सर्कल में घूम रहा है तो ओमेगा मैं निकाल सकता हूं, हमेशा ओमेगा निकालने के लिए फ्री हूं मैं, तो ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो इसका ओमेगा जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग अब इस मोशन को पूरी तरह से हम एनालाइज करने जा रहे हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका जेड कोऑर्डिनेट, इसकी वेलोसिटी फलाना ढिमका सब निकालने जा रहे हैं। तो अब देखिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, डिलीट मतलब इरेज कर दे रहा हूं। देखिए अब क्या है कि ये जो मोशन आपके सामने बना हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें पता चल गई है। अब मैं इसके मोशन का जब एनालिसिस करूंगा तो मोशन की एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट इनटू टाइम, वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट है वी कॉस थीटा इनटू टी, तो इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकालने में मेहनत है, तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट देखिए कैसे निकलेगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो जैसे मैं मान लेता हूं ये एंगल थीटा है, टी टाइम में ये पार्टिकल थीटा घूम गया, तो सर्कुलर मोशन में याद करो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो आएगा वो आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ओमेगा हमें पता ही है, ओमेगा की वैल्यू हमें पता ही है, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्यू बी टी अपॉन एम, क्यू बी अपॉन एम था ओमेगा, तो ये थीटा हो जाएगा, हमें पता चल गया कि ये टी टाइम में कितना एंगल घूम गया। अब अगर मुझे इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो जैसे ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है वाई जेड प्लेन में, सेंटर नेगेटिव जेड पे आ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट जो आएगा वो ये आ जाएगा, ये जो दूरी है इसी दूरी को हम वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो अगर मैं इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट तो मैंने लिख दिया, अगर मैं इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर, ये रेडियस हो गया इसका, रेडियस भी मैं निकाल चुका हूं, ये एंगल थीटा है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर साइन थीटा, मुझे आर भी पता है, एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, और थीटा भी पता है, तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसका जेड कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? जेड कोऑर्डिनेट बेसिकली ये चीज हो जाएगी, और अगर देखें तो वो एक्स एक्सिस के पीछे था ना, तो जेड कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव आएगा, और ये दूरी है आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा, तो जेड की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ आर माइनस आर कॉस थीटा,
जो z कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ r माइनस r cos थीटा, ये इसका z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब देखिए हमने क्या किया, इसका x कोऑर्डिनेट तो बड़ी आसानी से आ ही गया था v cos थीटा इनटू t, y कोऑर्डिनेट हो गया r sin थीटा, z कोऑर्डिनेट इसका हो गया माइनस ऑफ r माइनस r cos थीटा। तो अब देखिए हमें x y z तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गए, हमें वेलोसिटी चाहिए, मान लीजिए x डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएट मार दो इसको तो vx आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे vy आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे vz आ जाएगा, तो vx vy vz की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम चाहें, मान लो कि हमारा मन है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि vx vy vz की वैल्यू बिना डिफरेंशिएशन के भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये तो चलिए कोऑर्डिनेट वाली बात हो गई, अब इसी के नीचे मैं vx vy vz लिखने जा रहा हूं। vx तो खैर कांस्टेंट ही है, v cos थीटा के बराबर है, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। vy जरा देखना, अब ध्यान से देखना, ये पार्टिकल जब सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमने के दौरान सर्कुलर मोशन कराने वाली वेलोसिटी थी v परपेंडिकुलर, जो इसको सर्कल में घुमा रही थी वो वेलोसिटी v परपेंडिकुलर थी। अब v परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के अगर हम कंपोनेंट देखें तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो v परपेंडिकुलर का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा, और v परपेंडिकुलर का ये वाला कंपोनेंट जेड कंपोनेंट जेड हो जाएगा। तो मैं v वाई अगर लिखूंगा तो v वाई हो जाएगा v परपेंडिकुलर इनटू v परपेंडिकुलर की, चलो मैं वैल्यू लिख देता हूं, v परपेंडिकुलर है v साइन थीटा इनटू इधर कंपोनेंट इसका आएगा v परपेंडिकुलर जो है वो v साइन थीटा है, और इधर कंपोनेंट जो आएगा वो, अच्छा ये थीटा, ये वाला थीटा और ये, हाँ ये जो थीटा है वही थीटा ये भी है, तो ये v sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी होगी qvt अपॉन स्मॉल, ये vy कंपोनेंट आ जाएगा, और इसी का, इसी vy का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो vz हो जाएगा। तो vz जो आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ v sin थीटा इनटू sin ऑफ ये vz की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने vx vy vz निकाल दिया। अगर मैं इन सबको डिफरेंशिएट करता तो भी यही आता, आप डिफरेंशिएट करके चेक भी कर लेना, अगर मैं इन सबको x y z को डिफरेंशिएट करता तो vx vy vz आता, डिफरेंशिएट नहीं भी करके डायरेक्ट भी मैं निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो इसका एक्सेलेरेशन भी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं एक्सेलेरेशन, देखिए यही पे मैं एक्सेलेरेशन भी देखता हूं। x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए तो x डायरेक्शन की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन तो जीरो आ गया, कोई टेंशन नहीं है। y और z का कैसे निकाल सकता हूं, देखें ये सर्कल में घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलेरेशन आएगा वो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर r है, हाँ इसका जो कंपोनेंट आएगा, इस ओमेगा स्क्वायर r का जो कंपोनेंट आएगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ओमेगा स्क्वायर r का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा a इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो a z जो आएगा वो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी qbt अपॉन स्मॉल m, और a y जो आएगा हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r, और इधर साइन आ जाएगा साइन qbt अपॉन स्मॉल m। तो ये इसका ax ay az ये सारी चीजें यहां से हमें पता चल गई। एक इसके अंदर हेलिकल पाथ का केस और आता है, जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के हिसाब से हेलिकल पाथ बनता है, एक स्पेशल केस आता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और फिर भी हेलिकल पाथ आता है, तो वो केस में भी यही करा दे रहा हूं आपको, जैसे दो ये जो हेलिकल पाथ का केस है इनको आप आपस में कंपेयर कर पाए। तो इसमें देखिए ये क्या है कि पार्टिकल को वी वेलोसिटी से फेंका अल्फा एंगल पे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूनिफॉर्म है और दोनों पैरेलल है, दोनों यूनिफॉर्म है एक्स डायरेक्शन में और दोनों पैरेलल में है। अब इस पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जिसको हम वी पैरेलल बोल रहे हैं, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जिसे हम वी परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। अब होगा क्या कि पिछले वाले केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, लेकिन इस बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, इस फील्ड होगी तो फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्यूवी के बराबर आएगी। तो जो एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो क्यूवी बाई एम हो जाएगा। अब एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलेरेशन आ गया तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन जो वी परपेंडिकुलर है
ये जो वी परपेंडिकुलर है ये तो फील्ड के डायरेक्शन में है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये जो वी परपेंडिकुलर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, जो वी परपेंडिकुलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, इस वी परपेंडिकुलर के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वी इधर है, वी इधर है, तो वी क्रॉस भी अंदर की तरफ लगेगा, तो इस वी परपेंडिकुलर के कारण ये सर्कल में घूमेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी। तो अब क्या होगा कि सर्कुलर मोशन तो जैसे पिछले केस में मैंने बताया वैसे बना रहेगा, लेकिन अब फर्क यही होगा कि इस बार क्या होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, तो मोशन जो होगा वो हेलिकल तो होगा लेकिन जो उसका पिच होगा वो वेरिएबल हो जाएगा। तो पहले क्या था, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी जो थी वो कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे एक्सेलेरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इस बार भी जो पाथ होगा वो हेलिकल ही होगा लेकिन वेरिएबल पिच के साथ होगा, पिच उसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो यहां पर मैं ये जो सारे केसेस हैं इसमें आपको बता देता हूं, द पाथ विल अगेन बी हेलिकल, द पाथ विल अगेन बी हेलिकल, the path will again be helical with variable pitch path will again be helical with variable pitch। ये जो path होगा वो फिर से helical होगा लेकिन जो pitch होगी वो variable हो जाएगी। अब हम इस पाथ की अगर एनालिसिस करें तो एनालिसिस करने में वही है कि भाई x component निकालें, y component निकालें, z component निकालें। तो चलिए मैं एनालिसिस कर रहा हूं, फिर से सब कुछ वही है, इधर मैंने y मान लिया, इधर z मान लिया, जो सर्कुलर सब कुछ वही है, जो सर्कुलर मोशन है वो भी वही है, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया तो थीटा की वैल्यू जो आएगी फिर से वही जो सेम था ओमेगा टी आएगी, क्योंकि y z प्लेन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो भी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो तो सिर्फ x डायरेक्शन में है ना, जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जैसा मोशन अभी थोड़ी देर पहले बताया वही रहेगा, थीटा ओमेगा टी आ जाएगा यानी क्यू बी टी अपॉन स्मॉल m आ जाएगा। तो अब YZ प्लेन में सारी चीजें वैसे की वैसी ही रहने वाली है, सिर्फ X डायरेक्शन में बदलाव आएगा। तो अब अगर मैं इसका सबसे पहले तो देखिए Y कंपोनेंट लिखता हूं, अब इसका जो Y कंपोनेंट अगर लिखा जाएगा तो जैसे ये यहीं से मैं लिखता हूं, X कंपोनेंट कितना आएगा, X X कंपोनेंट जो आएगा वो मैं लिखूंगा अगर एक्सप्रेशन के हिसाब से, तो एस एक्स इज इक्वल टू होगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ द एक्स इंटू टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वी पैरेलल इंटू टी, और ए एक्स कितना हो जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स बोल दिया, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये रेडियस मान लीजिए आर है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर साइन थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा क्यू बी टी अपॉन एम, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जेड कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, जेड हो जाएगा माइनस ऑफ आर माइनस आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, थीटा हो जाएगा क्यू बी टी अपॉन स्मॉल एम, ये इसका जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो जैसा पिछले केस में आपको बताया था उसी तरह से कर सकते हैं कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकालना है इसको डिफरेंशिएट कर दो, जेड निकालना है इसको डिफरेंशिएट कर दो, इस तरह से एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया, जेड पता चल गया, डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो इस तरह से ये मोशन भी हम लोग पूरी तरह से एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अलग तरह का मोशन होगा।